रायगढ़ में जो हमारा चक्रधर नगर थाना में ये 7 मई 2016 को दो महिलाओं की डेड बॉडी मिली हुई थी, जिसमें एक माँ बेटी थी जिसको अज्ञात डेड बॉडी थी, जिनका मर्डर करके उनके ऊपर गाड़ी से उनको कुचलने का प्रयास किया गया था, उनकी पहचान छुपाने के लिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। ये लगभग 4 साल बाद आज हम लोग उसका खुलासा करने में सफल हो पा रहे हैं। इसमें जो बहुत सारे एविडेंसेस और जो इसमें गवाह हैं उसके हिसाब से इसमें जो एक अनूप साय पूर्व विधायक झारसुगुड़ा में रहे हैं उनको आज हम लोगों ने कस्टडी में लिया है और उनको कोर्ट में आज हम पेश कर रहे हैं। उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि वह दोनों माँ बेटी का उसने अपने ड्राइवर के साथ मर्डर कर लिया था, क्योंकि वो जो महिला है उनके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में 5 साल से रह रहे थे और उनके ऊपर वो ब्लैकमेल कर रही थी, शादी का दबाव डाल रही थी और साथ साथ कुछ और ब्लैकमेलिंग की बातें थी, जिससे तंग आकर के इसने उसको ठिकाने लगाने के लिए और उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए वो उसको यहाँ ले करके आए और मर्डर कर। सर कड़ियाँ कैसे जुड़ी सर, कितनी मेहनत की पुलिस ने? ये जो मर्डर केस था ये बहुत ही सेंसेशनल मर्डर केस था, इसमें बहुत सारी टीमें अलग अलग समय में बहुत सारे थाना प्रभारियों ने इस पर पहले भी काम किया है, बहुत सारी टीमें ने बहुत सारी कड़ियाँ जोड़ ली थी, लगभग 700 लोगों से ज़्यादा लोगों की पूछताछ इसमें की गई थी और इसके लिए लगभग 6 राज्यों में विशेषकर बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में टीमें भेजी गई, जिस बहुत सारी जगहों पे इनकी शिनाख्तगी के प्रयास किए गए। फाइनली इसमें जब महिला की शिनाख्तगी हुई, 1 साल बाद लगभग इसमें शिनाख्तगी हुई, शिनाख्तगी होने के बाद उसके कॉल डिटेल्स और उसके बारे में डिटेल्स लेने के बाद हम लोग आज आरोपी तक पहुँचने में सफल रहे। इसमें कई सारे एविडेंस जो इनके खिलाफ़ आए हैं, ये महिला के साथ 1 दिन पहले तक उसके साथ थे, लास्ट उसके बाद उसके साथ देखे गए थे और उससे लगातार बात भी हुई है, बहुत सारे गवाहों ने इनको पहचाना भी है और आगे भी हम लोग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इसमें कराएंगे। अभी तक जो इसमें 2 व्यक्ति शामिल लग रहे हैं, हो सकता है कुछ और व्यक्ति शामिल हो। इस पूरी चीज़ को और बेहतर खुलासा करने के लिए हम लोग इसमें आरोपी का जो नार्को टेस्ट भी कुछ समय में कराएंगे कोर्ट से परमिशन लेने के बाद, जिससे इसमें कुछ नए एविडेंस लाए जा सके। देखिए ये घटना जो है इसमें सबूत भी मिटा दिए गए थे, पहले ये 302 के तहत कायम किया गया था, बाद में 201 IPC और 120B इसमें कायम किया गया है। बहुत सारे सबूत इसमें मिट गए थे लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो अहम सबूत थे, जो पूरी तरह से इस जो अनूप सा है उसकी तरफ पुख्ता कर रहे हैं कि यही आरोपी है। ये जो आरोपी है उसने ये बताया कि घटना के समय उसका ड्राइवर भी उसके साथ था और लोहे के राड से इन लोगों ने हत्या की उसकी, ये उसमें एक गाड़ी भी प्रयुक्त हुई है, उसको हम लोग जब्त कर लिए। चीज़ें हैं चूँकि सबूत अब तक सबूत शायद मर्डर वेपन ना मिले लेकिन फिर भी हम लोग उसको प्रयास करेंगे। और इसमें एक गाड़ी यूज़ की गई थी, हो सकता है अगर वो गाड़ी नष्ट ना की गई हो तो उस गाड़ी को भी हम लोग रिकवर करेंगे। जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि चक्रधर नगर जो हमीरपुर का एरिया है वहाँ सुनसान है, जंगल के अंदर इन लोगों ने गाड़ी रोक करके पहले उसके पीछे रॉड से उसकी हत्या की और उसकी बॉडी वहाँ फेंक कर उसके ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया। एक्यूज्ड बहुत ही पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड व्यक्ति भी रहा है और कई बार के विधायक भी रहा है, तो ये इनको कई बार नोटिस भी दिया गया, कई बार इनको बुलाया गया लेकिन ये कभी भी जांच में इन्होंने हर तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की और इतने सालों में कभी भी पिछले 3 सालों में इनसे जब भी बुलाया गया ये हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए। इसलिए पिछले 6 महीने से इनके ऊपर लगातार जब कंफर्म होने के बाद इनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी और सारे सबूत जुटाए जा रहे थे, सबूत जुटाने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। ये सब जांच में पता चलेगा। मुख्य अभियुक्त यही है और इसने एक ड्राइवर का नाम लिया है जिसमें एक रॉड से हत्या हुई है और एक गाड़ी यूज हुई है जिसको हम लोग आगे। देखिए मुझे तो 2017 में जानकारी मिली, ठीक है, पुलिस से संपर्क किया, मैं आया रायगढ़ क्राइम ब्रांच में, उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो मैं पहचाना कि हाँ ये कल्पना दास है। मैं लड़की को नहीं पहचान पाया क्योंकि उन्होंने बताया कि लड़की की उम्र 24 से 25 साल है। फिर DNA हुआ, DNA के बाद पता चला कि वो मेरी लड़की है। झारसुगुड़ा में मैं देखा था, बाय द वे
मैं देखा था बहरा मल के आसपास। बाय द वे वो लोग देख लिया, वो कल्पना दास और अनूप साय और बेटी को, ड्राइवर भी था, ठीक है, देखा था। तो मैं करीब जाने की कोशिश किया था लेकिन मुझे भगा दिया गया, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, भागो यहाँ से। अच्छा, ऐसा भी जैसे कि एसपी बता रहे थे कि आपको वो लोग धमका देते, पास आने नहीं देते थे। हम पास नहीं आने देते थे कि पुलिस केस कर देंगे, ये है, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर। अच्छा, आपका डिवोर्स हुआ था? हाँ, डिवोर्स हो चुका था। अच्छा, कौन सा ईयर में डिवोर्स हुआ? ये 2011-12 में हुआ था। अच्छा, ये मर्डर के बारे में कब पता चला आपको? ये 2017 में पता चला। अच्छा। मई 2017 को। अच्छा, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपको पता था? नहीं नहीं, पता कैसे चलेगा। अच्छा। हाँ, कौन आपको बताया कि मर्डर हो गया? ये कल्पना दास के एक चचेरा भाई के क्या है, कज़न है वो, सरोज दास बोल के हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तुमको मालूम नहीं है? ठीक है, तो मैं बोला मुझे मालूम नहीं। अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं, जबकि ठीक है आपकी एक्स वाइफ थी वो, लेकिन आपकी जो बेटी का जो डेथ हुआ है, हाँ, और उसका हत्यारा भी अनूप साय है, अनूप साय, हाँ, आप क्या डिमांड करेंगे, अनूप साय को किस तरीके से सजा? अनूप साय को कम से कम फांसी होना चाहिए, मैं सिर्फ फांसी का डिमांड करता हूँ। उसको कोई हक नहीं होता है एक 13 से 14 साल का लड़की का हत्या करने का, वो भविष्य है। तुम्हारा क्या किसी के साथ में संपर्क है, रिलेशन है, वो तुम समझो, लेकिन वो बच्चे को मारने का हक तुमको कौन दिया? वो मेरी बेटी थी, तुमको हक नहीं मिला, ये पूरा एकदम जघन्य अपराध है, इसमें उसको फांसी से कम का सजा होना ही नहीं चाहिए। मुझे ड्यूटी गोली थाना नहीं गया, थाना ने ड्यूटी गला पर देख ली गुड़े आम जन मिसिंग लगा है फोटो से ना फोटो लगी थी बोले फोटो लगी थी देख ली बोले मत लगला डाउट लगला कि कल्पना रहा बोली मुझे गोटे मोबाइल फोटो नी आउ मोर नानी बड़ नानी आर दिन सकाले बड़ नानी के नहीं देखाली मुई रत्न मंजरी दास ताकू देखाली से कहले हाँ आए बागि लगुचे फोन तो बहुत दिन है निहा करे कहले तेन फिर मुझे आम गुरु सार थे आईसी ताकू जा सन्धार कहली फिर आईसी सार सड़े छत्तीसगढ़ तार मैंने खबर दे बोधे आन बापा बड़ बापार डीएनए टेस्ट है आन भाई आम वरुण दार ताकर भी डीएनए टेस्ट है तारपरे से जना पड़ला कि हाँ ये कल्पना आए बोली जानलु आम किंतु एछन जना पड़ू अलग ये रे कि मर्डर हो चे बोली। अच्छा, अनूप साय संगर संपर्क भल मैंने दादा कहसुँ ताकू कहूँ दादा हत्या बोले से मझी मझी फोन करे बड़ बापा सागे कथा लगे भाज सागे कथा लगे बोले फोन ना कर बोधे कैंसी ने रही से बोली हमें ये रिपोर्ट फिपोर्ट ना कर